जी आज मेरे साथ भी मैं हूँ और आज विद 9 ईयर्स ओल्ड अलीगाम विद 9 ईयर ओल्ड अलीगाम और आज हम लोग निकले हैं कुछ अलग खाने के लिए और डिनर में हम लोग आपके लिए लाए हैं। आज क्या खाएंगे वैसे हम? देसी मुर्गा। देसी मुर्गा डिनर में कहाँ से मिलेगा भाई? फ्राइड मास्टर। फ्राइड मास्टर जी, तो हम लोग जा रहे हैं जी मुमताज मार्केट। मुमताज मार्केट में, और जहाँ पर आपको गुजरावाला में आपको देसी मुर्गा नाश्ते में तो 2-3 पॉइंट मिल जाता है, लेकिन डिनर में आपको देसी मुर्गा नोट कड़ाही, ये देसी मुर्गा है जी यखनी वाला, और ये आपको मिलेगा फ्राइड मास्टर पे। चलते हैं फ्राइड मास्टर और आपको दिखाते हैं। क्या खाओगे बच्चे आप? मैं तो सिर्फ देसी मुर्गा ही खा रहा हूँ। देसी मुर्गा यार मेन्यू में तो कहीं नहीं नज़र आ रहा। देसी मुर्गा मिलेगा जी आपसे? किस कंडीशन में आपके पास? कढ़ाई वगैरह में? बाउल में। अच्छा, सर्विंग उसकी कैसी है? 1% बाउल में, मतलब वो जो शोरबे वाला जिसे कहते हैं। अच्छा, तो क्या उसका प्राइस है भैजन? 380 सिंगल सर्विंग में। चलें आप ऐसा करें कि 2 देसी मुर्गा कर दें और स्टार्टर में हमें स्पेशल सूप। मजे के जी। इसके बाद अब देसी मुर्गा आता है, उसको खाते हैं और आपको देसी मुर्गे के बारे में बताते हैं, ठीक है? एंड तक वीडियो नहीं बोल सकता मैं। बोलो। एंड तक वीडियो जरूर देखना। हाँ बताओ ने। आप एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा और आपको लाइक कमेंट नहीं करना? लाइक कमेंट शेयर जरूर, सब्सक्राइब और जरूर। बच्चे देसी मुर्गे का पता तो जो खाते हैं उनको तो वैसे पता चल जाता है, लेकिन इसके मीट से पता चल जाएगा आपको। जो फार्म का मुर्गा होता है ना, वो वाइट कलर में होता है जो आप खाते हैं चिकन, और ये देसी मुर्गे की रंगत में थोड़ा फ़र्क होता है। ये आपको जैसे बकरे का गोश्त होता है उस कलर में मिलता है, तो ऐसे पता चल जाता है देसी मुर्गा। आप खाएँ हम लोग? चलो फिर शुरू करो। तो फाइनली देसी मुर्गा हमें सर्व हो गया, और ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि आपको नाश्ते में देसी मुर्गा गुजरावाला में मिल जाता था, लेकिन आपको डिनर के लिए देसी मुर्गा पूरे गुजरावाला में कहीं से नहीं मिलेगा, सिर्फ इसी रेस्टोरेंट से मिलेगा। और जो क्वांटिटी है इनकी वो मेरे ख्याल में 2 बंदों के लिए काफ़ी है। वैसे ये सिंगल सर्विंग है 380 में, लेकिन ये जितनी क्वांटिटी है एक फुल चिकन पीस के साथ ये सर्व कर रहे हैं, और ये 2 बंदों के लिए मतलब अच्छी क्वांटिटी है। आप 2 बंदे भी इसमें खा सकते हैं आराम के साथ। अब इसको हम लोग खाते हैं और इसके टेस्ट के बारे में आपको बताएं। सबसे ज़्यादा मज़ा किस चीज़ का है आपको? देसी मुर्गा। तो इसका देसी मुर्गा क्या रेट है? 380 सिंगल सर्विंग जी। और सूप का बाउल कितने का था? 450 का। 450 था। हाँ सूप बाउल था ना, 4% सर्विंग थी। अच्छा जी, यहाँ आपको डिनर में देसी मुर्गा मिल जाएगा, जो सिंगल सर्विंग इनकी 380 की है, लेकिन वो 2 लोगों के लिए काफ़ी है। रेस्टोरेंट की लोकेशन है मुमताज मार्केट फ्राइड मास्टर में, और सिटिंग के लिए इनके पास आउटडोर सिटिंग भी है, एम्बियंस अच्छा है इनका, फैमिली हॉल भी है और पार्टी हॉल भी है। पार्टी हॉल भी है, सही है ना? पार्टी हॉल भी है। और टेस्ट को अगर मैं कहूँ तो मैं बिल्कुल आपको काफ़ी वीडियोस के बाद आज मैं कोई चीज़ रेकमेंड कर रहा हूँ, और देसी मुर्गा है इनका, ज़रूर ट्राई करें। अलबत्ता जैसी सर्विंग आज हमें हुई है, चूँकि ये इनका सेकेंड डे है देसी मुर्गे को लेकर, और इनकी बिल्कुल इन्होंने रिसेंटली ऐड किया है अपने मेन्यू के अंदर, रिसेंटली इसको ऐड किया है देसी मुर्गे को, तो जो टेस्ट हमें आज मिला है आपको भी ऐसे ही टेस्ट मिले। और अगर आप यहाँ पर आते हैं देसी मुर्गा ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ में हम लोगों ने रोटी पंजाबी हमीरी रोटी भी और साथ में नान भी लगवाया था, लेकिन जो पर्सनली मैं आपको रेकमेंड करूँगा, आप देसी मुर्गा जब ट्राई करते हैं यहाँ पर आके तो आप नान के साथ ट्राई करें, गरम गरम रोगनी नान के साथ आपको बड़ा मज़ा आएगा। और आप एक चीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये हर तरीके के नान मिलते हैं, चिकन चीज़ नान, ब्रेडी नान, उसके साथ चीज़ नान, इस तरह के बहुत ज़्यादा नान मिलते हैं आपको। अच्छा, ये तो मुझे बताया नहीं आपने। और बहुत अच्छा देसी मुर्गा था माशाल्लाह, बड़ा खा के मज़ा आ गया, पेट भर गया। और फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी एक नए रेस्टोरेंट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो में मैं भी हूँगा, ठीक है? ओके बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए।